हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट बता दूँ जो मेरी वाइफ के नाम पे है, जो मैंने बनाई हुई है। इसका नाम है विशिष न्यूएस्ट न्यूएस्ट डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। इस पर आप बहुत ही अच्छी अच्छी दिवाली की इमेजेस, हैप्पी दिवाली इमेजेस और भी बहुत गिफ्ट इमेजेस और भी SMS वगैरह, जहाँ से आप अपने जहाँ से डाउनलोड इमेजेस डाउनलोड कर सकती हैं और अपने रिलेटिव्स को भेज सकती हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी अच्छी इमेजेस हैं। ओल्डर पोस्टर्स पे क्लिक करेंगे या फिर जहाँ पे डायरेक्टली आप क्लिक कर सकती हैं, जहाँ पे देखिए और भी काफ़ी सारी इमेजेस हैं। रीड मोर पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इसमें आप SMS भी काफ़ी भेज करके अपने दोस्तों अपने रिलेटिव्स को सेंड कर सकती हैं। तो अभी फिलहाल अपनी वर्क की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे हम गूगल एनालिटिक्स के साथ अपनी वेबसाइट को जोड़ें, ताकि हमें पता चले कि हमारे कितने एक्टिव यूजर हैं। सबसे पहले हम गूगल में सर्च करेंगे गूगल एनालिटिक्स। ये सबसे पहले ऊपर वेबसाइट जो खुलती है वो गूगल एनालिटिक्स की खुलती है, जहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार मेजरिंग और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। आप यहाँ पे अपना नाम या फिर जहाँ पे जो आप ट्रैकिंग आईडी जिसे आपकी वेबसाइट का नाम है उसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ विशेष न्यूएस्ट मैक्स, यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम लिखेंगे जो आपकी वेबसाइट का नाम है, वहां पे आप अपना, जैसे मेरा रजनी नाम है, मैं यहाँ पे रजनी लिख देता हूँ पहले, रजनी भाटिया। और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेम हमारी वेबसाइट का नाम है विशेष न्यूएस्ट, और मेरी कंट्री इंडिया है इसलिए मैं यहाँ पे कंट्री इंडिया कर दूंगा। और हमारा ये कंट्री टाइम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप करेंसी US डॉलर रहने दीजिए, यहाँ पर आप या फिर आप यहाँ से इंडिया भी कर सकती है, इंडियन रूपीज। नेक्स्ट, और उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपके जो ये कर रहे हो आपकी ये वेबसाइट किससे रिलेटेड है। तो जहाँ से अगर आपका टॉपिक मिल जाए तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप जिस डायरेक्टली जहाँ पे नीचे होगा अदर वो उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं अदर कर देता हूँ। हमारा ये एक ही इम्प्लाई है क्योंकि मैं खुद ही एक ही चलाता हूँ, इसलिए यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। और जहां पे क्लिक करेंगे इसको 3 को करने की जरूरत नहीं होती है, बाकी आप करना चाहो तो ये आपकी मर्जी है। तो मैं फिलहाल इन तीनों को रहने देता हूँ, और उसके बाद अगर आप करना चाहे तो कर भी सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं नहीं कर रहा आप भी ना करें। और इसके बाद जहाँ पे आप की अपनी कंट्री चूज कर लें, यहाँ पे लिखने के बाद ही डायरेक्ट आ जाता है इंडिया, और इसको एक्सेप्ट करें और इसे भी एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद आई एक्सेप्ट अगेन। और उसके बाद इसे सेव कर दें, और यहाँ पे आप अपना एंड्रॉइड ऐप, iOS ऐप या वेबसाइट का URL डाल सकती हैं। मैं फिलहाल वेबसाइट करेंगे, इसे हम वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख लीजिए आपकी वेबसाइट HTTP है या HTTPS है। ठीक है, हमारी HTTPS है, यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंपली होम पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये हमारी वेबसाइट का URL है, इसे हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हमारा HTTP और ये लकीर जो स्लैशेस हैं ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इसलिए इसे हम यहाँ पे मिटा देंगे। और जब वेब स्ट्रीम नेम लिख देंगे वेबसाइट का नाम विशेष न्यूएस्ट, और उसके बाद क्रिएट स्ट्रीम। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। और उसके बाद जहाँ पे गूगल साइट टैग होगा वो हमें अपनी वेबसाइट में डालना है ताकि ये ट्रैक कर सके। यहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है कॉपी क्लिक करेंगे और अपने थीम में जाएंगे। थीम पे गए और उसके बाद जहाँ पे एडिट HTML पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद जो हेड होगा एड के नीचे हम ये चीज पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद जहाँ से इसको सेव कर देंगे। जी हमारा डाटा सेव हो गया है, और उसके बाद पोस्टेस यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं,
ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है, ये हमारा बिल्कुल परफेक्टली हो गया है, और उसके बाद यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे और रिपोर्ट में जाएंगे। ये आपको प्रीवियस 48 घंटे का कोई भी डाटा नहीं दिखाएगा, और यहाँ पे जो यूजर आपका ऑनलाइन होगा वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे हमारी एक इधर खोला हुआ है, मैं एक और खोल लेता हूँ। वहां पे हो गया, और उसके बाद हम अपनी वेबसाइट खोल लेते हैं, विशेष न्यूएस डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। ये खुल गई है हमारी वेबसाइट, और उसके बाद यहाँ पे आएंगे, उसको रिफ्रेश करेंगे। जी अभी 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 इंटरनेट डाला है, इसे 2 मिनट रुक जाइए, मैं पास कर लेता। तो ये देखिए हमारा, जब हमने रिफ्रेश किया, रियल टाइम पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए हमारा लास्ट, ये एक यूज़र अभी ऑनलाइन हो गया है और डेस्कटॉप पे ऑनलाइन है। बस विशेष 2 व्यू हुए हैं जो मैंने अभी ओपन ये पेज खोले थे, ये जहाँ पे आपको फुली डिटेल बताएगा कि कौन कौन से पेज आपके ओपन हुए हैं। तो मेरा, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा मैं आपको एक और अपनी वेबसाइट बता दूं, जिसका नाम है www.learnshtml.blogspot.com। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, जहाँ से आप लर्न C++ HTML पढ़ सकते हैं। ये देखिए इसमें और ब्लॉगर टिप्स भी है, जो जहाँ से C++ के टॉपिक हैं जो मैंने डाले हुए हैं वेबसाइट में, जहाँ से आप देख के पढ़ सकती हैं इसको। और लर्न HTML के भी 3 टॉपिक डाले हैं, और भी पढ़ने के लिए, वो भी अब मैं इन फ्यूचर डालूंगा। और ये देखिए बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्ट हैं, ब्लॉगर से रिलेटेड भी हैं। सिंपली जहाँ पे कौन सी पोस्ट आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक कीजिए, ब्लॉगिंग टिप्स, इसे मैं क्लोज करूंगा। अभी ये 3 पोस्ट से डाली है, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग इन हिंदी, हाउ टू स्टार्ट वाला वर्डप्रेस ब्लॉग विद होस्टगेटार एंड बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर इन 2021। तो अगर मेरे ये वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।